पठानकोट जो कि अति संवेदनशील जिला है और पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग जगह से संदिग्ध देखे जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसके चलते पठानकोट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस की ओर से किए गए हैं। यही नहीं, स्वतंत्रता दिवस को लेकर पठानकोट पुलिस से भारत पाक सीमा से सटे इलाके व इंटरस्टेट नाके भी बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस की ओर से 10 नए नाके लगाकर 24 घंटे चेकिंग की जा रही है, तो वहीं बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है ताकि किसी तरह का कोई भी शरारती आंसर किसी वारदात को अंजाम ना दे पाए। इस बारे में जब डीएसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पठानकोट पुलिस पूरी तरह से चौकस है, इंटरस्टेट नाकों पर अधिक पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, तो वहीं इंटरस्टेट नाके भी बढ़ाए गए हैं। पूरे जिले में 10 नाके और 24 घंटे चेकिंग की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र में अभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पठानकोट से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जिस तरह तुम जानते हो कि भी 15 अगस्त बड़ा ही इंपोर्टेंट दिन है, तो पठानकोट एक सेंसिटिव जिला, तो ये मद्देनज़र मान्योग SSP साहब की डायरेक्शन से पूरे जिले से ही जो पुलिस का बड़ा ही पुख्ता प्रबंध आपका, साढ़े को बहरों एडिशनल फोर्सिज भी आई हैं, पैरामिलिट्री दर स्पैशलाइज टीम्स भी आई हैं। आप बॉडर के जिन्हें भी नाके उन्होंने बहुत ही स्ट्रोंगली जोड़ा वो डिप्लॉय किया। इस तो अलावा शहर से भी आप जी काफ़ी ज़्यादा फोर्स की मूवमेंट वधाई है। इस तो अलावा जोड़े अपने होर हिमाचल लगते इलाके है तो इंटरस्टेट नाके है उत्ते भी आप जी फोर्स की जी गिनती है वह वधाई है। तो रेगूलरली आप सर्चिज भी कर रहे हैं, जिते सूँ कोई शक्की बंदा लगता वो गहन तलाशी भी हो रही है। मैं सारे अश्योर करना चाहना कि भी जी पठानकोट पुलिस है पूरी मेहनत नाल तनदेही जोड़ा वो कि भी सिक्योरिटी का अरेजमेंट कर रही है, तो आप इंश्योर करेंगे कोई भी इदा दुखावी घटना इतने ना वापरे, तो आप जी सिक्योरिटी है पठानकोट की वो बिल्कुल चाक चौबंद मुस्तैद रखिए। जी साढ़े को तकरीबन 10 नाके इंटरस्टेट लगे अलग अलग जगह पर, इन्हें सफिशेंट फोर्स जी तैनात।